समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक संजय त्रिपाठी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत नहीं देने पर लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से विलुप्त कर दिए जाने अर्थात सूची से हटा दिए जाने तथा एक अन्य लाभार्थी के द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत नहीं देने पर प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त उस लाभार्थी के बैंक के खाते पर नहीं भेजे जाने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त आशय से संबंधित आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर को देते हुए लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी शोहिबन बेगम का कहना है कि उनके पति मोहम्मद करीम के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन किया जाना था, जिसके लिए करीब 3-4 माह पूर्व लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा उनसे गृह निर्माण से संबंधित सभी कागजात दिए गए थे। इसी बीच उनका स्थानांतरण किसी दूसरे पंचायत में हो गया, जिसके बाद उनके स्थान पर आए नए ग्रामीण आवास सहायक संजय त्रिपाठी ने आवास दिलाने के लिए उनसे संपर्क किया और घर दिलाने में नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर दी। जब उन्होंने अपनी गरीबी के कारण पैसा नहीं दिया तो उनके पति का नाम पीएम आवास योजना की सूची से डिलीट कर दिया। वहीं वार्ड संख्या 2 की ही एक अन्य लाभार्थी रीना देवी का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत उन्हें आवास आवंटित किया गया, जिसकी एक किस्त मिल चुकी लेकिन अब दूसरी किस्त खाता पर भिजवाने के एवज में ग्रामीण आवास सहायक संजय त्रिपाठी के द्वारा उनसे 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि इस तरह का मामला कामोवेश सभी पंचायतों में देखने को मिल रही है और आवास सहायकों के इस गोरख धंधों में पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि तो शामिल है ही, कुछ सफेद पोश लोग भी शामिल हैं। इस बाबत पूछे जाने प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि उक्त विषय से संबंधित आवेदन मिला है। सक्षम पदाधिकारी से जांच करवाने के दौरान मामला का पता चलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए समस्तीपुर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जे दिलियन है ना कागज से बहुत अथी से दिलियन है ना, यह ना जे घर हमरा कटा गए लेकिन सब काम कल रही हम 4 महीना से ओवर हो गए, 4 महीना से ओवर हो गए, फोटो तोटो सब घींच कर लग गिन पहलुका इंदिरा आवास जो रहती से आ घींच कर ले गिन तक सब काम भेटे खाली पैसा आबे वाला रह तो अखनी जो बनलखिन है ना वह गिन तो हाँ तक बाद जाकर अखनी जो बनलखिन है ना इंदिरा आवास साहब गेलखिन अखनी नया वह गेलखिन 2 दिन तक कहलखिन हमरा घर आ गया से सोहिबन बेगम के से घर के से पैसा वालू हो तो 10,000 दो हम कहे जहाँ अखनी हमरा नहीं है 10,000 रुपया हम कहाँ से दिए गरीब आदमी मर रही हँ बूढ़ा के लेकर हम तब बेचैनी भेल छी आ तब अथी कह कर गेलखिन तो कहलक अच्छा नहीं लेब ना तो हम जा घर अथी नहीं होते तो एक नाम काट दे इह बात रहे तो यह सके लिए कहा हमारा दिक्कत होल तो हम बिल्डिंग भी गए। इंदिरा आवास सहायक के नाम कौन चीज संजय 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 नाम है संजय इंदिरा आवास के नाम है ना लया के वह जाकर गए थे 2 दिन नहीं हम बिल्डिंग पैसा बस या का काट दे कहलखिन जे दिक्कत नहीं माने के है या हो जाते ये ना हो जाते घर मिल जाते हाँ घर मिल जाते सोहिबन बेगम मोहम्मद करीम गांव के नाम 2 नंबर है वार्ड लखनीपुर में पट्टी।